जाओगे, ये माया काम नहीं आएगी प्यारे, काम नहीं आएगी। खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरपंगा ने, सीचत सीचत माली मर गयो, मौज करी बौरंगा ने, जोड़त जोड़त मौजी मर गयो, कंजूस पांच पांच पैसे इकट्ठे करके जोड़ता रहा, जोड़त जोड़त मौजी मर गयो, पर मौज करी खरचंगा ने, उसी प्रकार से सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सत्संगा ने, मौज करी सत्संगा ने। सत्संग आपने देखा होगा, साधुओं को कोई चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, मिल जाए तो ठीक, ना मिली तो भगवान की डबल कृपा, वह वारे मौज वगैरह दे, कदी तो ओड़े साल दो साले, कदी पट्टी गुदरिया हीरा दी, कभी लपट ले रहा है खीरा दी, तो कभी सूखे टिक्कर भी खाने पर, वह वारे मौज वगैरह दे, ये फकीरों की मौज है। और याद रखना, अगर बादशाही के गुण सीखने, किसी सहर ने कहा भी है, हम पकड़ों से दोस्ती कर लो, बादशाही के गुण सिखा देंगे प्यारे, गुण सिखा देंगे। बादशाही कैसी होती है, ये दौलत बादशाही नहीं है, याद रखना भैया, किसी के सामने झुक जाना सबसे बड़ी बादशाही है। और सुनो, अगर कोई व्यक्ति झुक रहा है ना, तो उसे छोटा मत समझना, वो तुमसे बड़ा है भैया। अरे जिस वृक्ष की डाली पर फल आता है वही झुकती है भैया, सूखी लकड़ी कभी नहीं झुकती प्यारे, कभी नहीं झुकती प्यारे। जो बड़े होते हैं ना, वो हमेशा विनम्र रहते हैं, हमेशा अपने आप को छोटे मानते हैं। इसलिए भगवान की कथा हमें यही सिखा रही है कि अपने आप को छोटा कर लो, छोटा, अपने आप को तिनके से भी हल्का मानो। बोलना तो बढ़ेगा और जोर से, सुखदेव भगवान कहते हैं परिकित, अगर मेरे गोपाल आयु देखते तो ध्रुव जी महाराज को कभी दर्शन नहीं देते प्यारे, कभी दर्शन नहीं देते। परिकित जी महाराज बोले, गुरुदेव ना देखते होंगे नाना दोना, ना देखते होंगे पढ़ा लिखा, ना देखते होंगे आयु, पर लेकिन गुरुदेव